हेलो डियर स्टूडेंट्स माई सेल्फ नवनीत भंडारी एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल क्वांटम एकेडमी ऑफ फिजिक्स तो बच्चों लास्ट वीडियो में हमने मैग्नेटिक फोर्स और चार्ज का जो मैग्नेटिक फील्ड में बिहेवियर रहता है किस तरह का उस पर फोर्स लगता है और कैसे हम अलग अलग कंडीशन में वो फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं सारा कुछ आपको बताया था किस तरह से हमने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और स्क्रू रूल को यूज़ किया था वो अपने अच्छे से सीख लिया था आज कुछ उससे आगे चलते हैं कुछ एडवांस मेंट लेकर आते हैं उस टॉपिक के अंदर तो बच्चों आज हम एक और चीज जानते हैं कि एक्चुअल में अगर मैं आपको ये क्वेश्चन पुट करूं हाउ मच वर्क इज डन बाय मैग्नेटिक फोर्स ओन चार्ज तो इसका आंसर क्या होना चाहिए ठीक है थोड़ा टेक्निकली सोचे सपोज किसी रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अलोंग आई कैप है तो मैं ये बना रहा हूं बी वेक्टर अलोंग आई कैप और जो चार्ज है वो इसके परपेंडिकुलरली इस तरह से कोई पॉजिटिव चार्ज परपेंडिकुलरली वी अलोंग जे कैप इस तरह से क्या एंटर हो गया किसी भी वेलोसिटी के साथ तो बच्चों अब अगर चार्ज अलोंग वाई एक्सिस ट्रेवल कर रहा है मैं आपको बोल रहा हूं यहां पर जीरो से मान लो इसने कुछ वाई डिस्टेंस कवर किया किसी वी के साथ। तो मैग्नेटिक फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है हम ये फाइंड आउट करें देखो अगर मैं फोर्स निकाल रहा हूं तो फोर्स कहां पर आ रहा है फोर्स आ रहा है आपका क्या हुँ? वी बी साइन थीटा अगर वेक्टर फॉर्म में देखो इसको तो F वेक्टर इज इक्वल टू क्या V वेक्टर, V वेक्टर की डायरेक्शन क्या लो जे कैप क्रॉस B वेक्टर, B वेक्टर की डायरेक्शन क्या लो आई कैप तो J क्रॉस I से देखो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्या आ रही है? किस डायरेक्शन में आ रहा है तो J क्रॉस I करना तो है लग रहा है इनवर्ड लग रहा है J क्रॉस I इनवर्ड फोर्स लग रहा है तो इससे पता लगा जो फोर्स एक्ट कर रहा है बच्चों वो एक्ट कर रहा है क्या वी बी साइन थीटा और कहां पर एक्ट कर रहा है लोंग माइनस के कैप है ना अंदर की तरफ और क्योंकि एंगल 90 डिग्री है इसलिए मैं इस फोर्स को क्या लिख सकता हूं यहां पर क्या वी बी माइनस के कैप डायरेक्शन पता लग गई अब अगर मैं वॉकडन निकालने की कोशिश करूं तो वर्गडन का फॉर्मूला होता है एफ एस डिस्प्लेसमेंट राइट या आप ऐसा बोल देते हो एफ वेक्टर डॉट वेक्टर फोर्स की डायरेक्शन क्या है एफ वेक्टर कहां पर एक्ट कर रहे हैं माइनस के कैप डिस्प्लेसमेंट कहां पर हो रही है डिस्प्लेसमेंट कहां पर हो रही है डिस्प्लेसमेंट चार्ज तो ऊपर की तरफ जा रहे हैं चार्ज तो अलोंग जे कैप जा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट कहां पर है डिस्प्लेसमेंट अलोंग जे कैप बच्चों क्या आपको नहीं लगता जो फोर्स एक्ट कर रहा है इस चार्ज पर और जो डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल की है चार्ज पार्टिकल की वो एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है चार्ज तो मूव कर रहा है ऊपर की तरफ यानी कि लोग जे कैप लेकिन फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ तो यानी कि जो वर्गन हुआ इसमें वो क्या हुआ एफ एस कोज नाइन्टी डिग्री और मैं बाय डिफॉल्ट बोल दूंगा कि भाई ये क्या हो गया एक कुदरत का करिश्मा हो गया यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ने फोर्स भी लगाया चार्ज मूव भी किया लेकिन नेटवर्क डन तो जीरो है है क्यों जीरो क्योंकि फोर्स लग रहा है परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ चार्ज जस्ट थिंक अबाउट दिस अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है टूवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ टूवर्ड लेकिन अर्थ का मोशन क्या है हमेशा टेंजेंशियल अर्थ मूव कर रही है कैसे अर्थ मूव कर रही है ऐसे लेकिन फोर्स लग रहा है कहां पर अट्रैक्टिव फोर्स है सन अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या टेंजेंट टू द फोर्स है तो

अब अगर मैं आपसे एक और क्वेश्चन बनाकर पूछूं ये क्वेश्चंस कंसेप्चुअली आपको बहुत सॉलिड कर देंगे इसको नोट डाउन कर लो बच्चों कि नेट वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज जीरो राइट क्योंकि फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन आएगा ठीक है इसको नोट डाउन कर लिया आपने तो ये क्वेश्चन का आंसर तो बना लिया आपने अब मैं आपसे अगर ये पूछूं अगर आपसे ये पूछूं कि भाई जैसे फॉर एग्जाम्पल एक वायर में करंट फ्लो कर रहा है ए से बी की तरफ ऊपर की तरफ और यहां पर क्या होगा आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से यहां पर क्या होगा इनवर्ड 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 मैग्नेटिक फील्ड तो अगर मैं बोलूं कि कोई चार्ज क्या हुँ? इस तरह से इस वायर की तरफ आ रहा है अच्छा तो ये जब इस वायर की तरफ आ रहा था तो इस इसमें फोर्स कहां पर लगेगा देखे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाकर देखना चाहो तो ऐसे देख लो फादर मदर चाइल्ड मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है चार्ज की डायरेक्शन क्या है चार्ज यहां पर जा रहा है पॉजिटिव चार्ज है तो डायरेक्शन यही लूंगा मैग्नेटिक फील्ड सामने है फोर्स का लग रहा है नीचे की तरफ तो मैं ऐसे लिख सकता हूं लो जी इस तरह से डिफ्लेक्ट हो जाएगा अच्छा क्या ये ऐसे लिख देता तुम तो इस तरह से डिफ्लेक्ट हो जाएगा यहां पर ठीक है यहां तक ये यह कहानी है फोर्स लग रहा है यह, ऐसे क्योंकि यहां पर जो बी वैक्टर है वो क्या है अलोंग के कैप है वेलोस्टी की डायरेक्शन अलोंग आई कैप है तो मुझे क्या करना है आई क्रॉस के वी क्रॉस भी करते ना आई क्रॉस के तो देखिए आई क्रॉस के क्या आएगा आई क्रॉस के क्या आएगा दिस इज आई कैप दिस इज के कैप आई क्रॉस ए अपने पाम का यूज करो आई क्रॉस ए आई से के की तरफ आओ आई कैप से के की तरफ आओ तो देखो थम नीचे आ रहा है तो फोर्स का लग रहा है नीचे की तरफ मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे बताओ अगर इसकी वेलोसिटी यहां पर V थी यहां पर V थी मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं व्हाट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल मतलब चार्ज इस पार्टिकल पर फोर्स लगा डिफ्लेक्ट हो गया तो काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज आया जस्ट थिंक अबाउट इट काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज आया काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई डिक्रीज हुई या क्या चेंज आया यहां पर भी एक इंटरेस्टिंग बात आपको देखने को मिलेगी ठीक है अगर आपने दिमाग में इसको बना लिया क्वेश्चन को कि अगर एक पार्टिकल आ रहा है आया और एकदम डिफ्लेक्ट हो गया जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हुआ डिफ्लेक्ट हो गया फोर्स के डायरेक्शन निकालनी सीख ली बहुत बढ़िया लेकिन काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज आया तो मैं आपको बोल रहा हूं कि जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज है वो क्या है जीरो कोई भी काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की चेंज नहीं हुई बड़ी स्ट्रेंज बात है ना ये भी स्ट्रेंज बात थी आपके लिए कि वर्गन जीरो है और ये भी स्ट्रेंज बात है कि यार फोर्स लग रहा है काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है कैसे जीरो है देखते हैं अगर मैं बोलूं कि आपने क्या ये कभी पढ़ा है कि जो वर्गडन होता है वर्गडन बेसिकली क्या होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कभी प्लस वन क्लास याद करो जो आपको वर्क एनर्जी थ्योरम कभी करवाई गई थी तो फोर्स तो कॉन्स्टेंट है ना देखो ये वर्क एनर्जी थ्योरम मैं क्यों लगा रहा हूं क्योंकि यहां पर डायरेक्टली क्यों लेरी नहीं कर रहा है क्यों नहीं वेरी कर रहा क्योंकि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड तो यूनिफॉर्म फोर्स है एक ही तरह का फोर्स लग रहा है दस न्यूटन पचास न्यूटन ठीक है अब सुनो तो वर्क डन का मतलब था चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यानी कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इससे आपको क्या मिलता था नेटवर्क डन अच्छा अभी आपने क्या प्रूफ कराया कि वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स तो जीरो है तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल है माइनस काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल है वो एक ये ये इक्वल्स टू जीरो आ गया उनका डिफरेंस इससे ये भी बात प्रूव हो गई कि जो काइनेटिक एनर्जी फाइनल है वो हमेशा किसके इक्वल रहेगी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल के इक्वल रहेगी और मैं बोल सकता हूँ कि डेल्टा काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज जीरो वेन एवर अ पार्टिकल एंटर इन टू मैग्नेटिक फील्ड एंड एक्सपीरियंस फोर्स देर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वाई बिकॉज देर इज नो वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स क्या बच्चों ये समझ आई बात आपको आपके सामने है ठीक है अगर आप मुझसे पूछोगे कि क्या स्पीड में कोई चेंज आया तो नहीं आया अगर आप मुझसे पूछोगे कि क्या वेलोसिटी में चेंज आया हाउ एवर देर इज चेंज इन वेलोसिटी बट एनर्जी तो स्केलर है

क्या चेंज इन वेलोसिटी आया कोई क्या कोई वेलोसिटी में चेंज आया तो आंसर है यस yes. हर पॉइंट पर वेलोसिटी में चेंज आएगा लेकिन चेंज किस में आएगा डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं आया 20 मीटर पर सेकेंड 20 मीटर पर सेकेंड 20 मीटर पर सेकेंड 20 मीटर पर सेकेंड बट देर इज चेंज इन डायरेक्शन तो इसलिए मैं क्या बोल रहा हूं चेंज इन वेलोसिटी है लेकिन सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ क्या है डायरेक्शन का चेंज है इन छोटी छोटी बातों को नोट्स में ऐड करते रहना अगर आपसे पूछा जाए कि क्या कोई चेंज इन स्पीड आया क्या चेंज इन स्पीड आया तो आप बोलोगे नो कोई चेंज स्पीड में नहीं आया स्पीड क्या होता है मैग्नेट्यूड राइट है, राइट तो इस तरह से आप इसको कंसेप्ट को आई होप समझ गए होंगे तो ये वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जो किसी टॉपर बच्चे को 100 लाने से रोक सकते हैं और वो 97 95 पर अटक जाएगा इसलिए मैंने कंसेप्ट को बीच में से निकाला है और मुझे पूरी उम्मीद है कि बच्चों आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा अब कुछ आगे चलते हैं इससे तो बच्चों अब एक सुंदर सी हेडिंग दो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल व्हेन इट मूव्स परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कि भाई चार्ज पार्टिकल का मोशन किस तरह का होगा ठीक है अब तक तो हम फोर्स की बात कर रहे थे तो इसको समझते हैं जरा ठीक है सी मान लो कि कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर था यहां पर क्या वो ठीक है रेस्ट पर था तो कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगी अचानक बाय एनी पर्टिकुलर रीजन या इफेक्ट ये क्या वो पार्टिकल ने सोचा चार्ज पार्टिकल ने कि सामने की तरफ मूव करे ऐसे तो इसने सामने की तरफ यानी कि देखो मैग्नेटिक फील्ड इस पूरे केस में क्या है अलोंग माइनस के कैप है ठीक है मैग्नेटिक फील्ड पूरे केस में फिक्स है अलोंग माइनस के कैप अभी इनिशियली जब ये सामने की तरफ भागने की कोशिश कर रहा था तो वेलोसिटी किस डायरेक्शन में थी अभी आई कैप के डायरेक्शन में तो आपको पता है अगर v अलोंग i कैप हो और मैग्नेटिक फील्ड अलोंग माइनस के कैप हो तो इसको किस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस होगा निकाल ले क्रॉस माइनस के राइट हैंड का पाम देखो बिना पेन उठाए करने राइट right हैंड का पाम ठीक है पार्टिकल जा रहा है सामने की तरफ मैग्नेटिक फील्ड कहां पर है अंदर की तरफ पार्टिकल सामने मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ अच्छा इसको ना एक काम करता हूँ मैं थोड़ा नीचे बना देता हूं यहां पर वही है यार देखो ये सामने जा रहा है ऐसे हाँ? है ना कहां पर जा रहा है तो जैसे ही पार्टिकल ऐसे जाएगा एक, एक फोर्स लगेगा। अब जैसे ये ऊपर की तरफ मुड़ा अचानक अब माइनस के कैप के साथ जो वेलोसिटी की डायरेक्शन आ गई वो क्या गी? जे कैप आ गई क्योंकि अब तो मोशन ऊपर की तरफ है तो यानी उसी दौरान क्या होगी जे कैप अब पार्टिकल जा रहा है अलोंग जे कैप जैसे ही पार्टिकल जे कैप की तरफ मुड़ा पार्टिकल जैसे ही ऊपर की तरफ मुड़ा मुड़ा क्यों क्योंकि क्यों 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 फोर्स लगा यहां पर फोर्स लगा कौन सा फोर्स लगा मैग्नेटिक फोर्स जैसे ही अलोंग जे कैप जे कैप देखो वी वी का अलोंग जे कैप जे कैप इस तरह से मतलब जे कैप और मैग्नेटिक फील्ड अंदर मैग्नेटिक फील्ड अंदर देखो पाम कैसे घूम रहा है जे कैप मैग्नेटिक फील्ड अंदर फोर्स लग रहा है मेरी तरफ तो यानी कि ये ऊपर जाएगा लेकिन अचानक इसको फोर्स का लग जाएगा यहां पर अब ये कहां पर मूव करने लग गया अब ये मूव करने लग गया कहां पर माइनस आई कैप की तरफ लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो अभी भी, भी वहीं पर है माइनस के कैप तो यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो माइनस के कैप और लेकिन इस बार वेलोसिटी कहां पर होगी माइनस आई कैप तो माइनस आई कैप देखो माइनस आई कैप और के कैप माइनस आई कैप और के कैप थम नीचे की तरफ तो इस तरह से पार्टिकल जब ऐसे नीचे की तरफ आएगा अब v वेक्टर की डायरेक्शन क्या माइनस जे कैप लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो वहीं पर है माइनस के कैप तो अब देखिए, देखो जरा, पार्टिकल पार्टिकल नीचे पार्टिकल नीचे नीचे कहां पर अलोंग माइनस जे कैप लेकिन मैग्नेटिक फील्ड अंदर तो थम कहां पर आ रहा है इधर की तरफ आ रहा है तो इस तरह से अब ये मैंने एक रफ फिगर बनाई है तो ऐसा देखा जाता है कि अगर कोई पार्टिकल एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही मूव करे इस फिगर को मैं रब करके दोबारा से क्लियर डायग्राम बनाता हूं आपके लिए आई होप कि आपको बच्चों ये डायग्राम नजर आ रहा है इससे आपको थोड़ा क्लैरिटी और मिलेगी देखो पार्टिकल अगर यहां से शुरू हो सामने की तरफ जाएगा तो उसको अपवर्ड फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा इस अपवर्ड फोर्स की वजह से वो ऐसे घूम जाएगा फिर जब ऊपर जा रहा होगा तो एक राइट टू लेफ्ट फोर्स लग रहा होगा तो फिर ऐसे घुबारा घूम जाएगा और ऐसे हर पॉइंट पर अगर मैं यहां पर यहां पर हर पॉइंट पर फोर्स का डायरेक्शन निकाल निकालू हर पॉइंट पर फोर्स का डायरेक्शन बदल रही होगी लेकिन वो बदल कैसे रही होगी जैसे कि यहां पर जे कैप है यहां पर माइनस आई कैप हो गई यहां पर माइनस जे कैप होगी लेकिन जो कॉमन बात है हमेशा फोर्स का लग रहा होगा सेंटर की तरफ लग रहा होगा राइट तो इस तरह से कोई भी पार्टिकल जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में मूव करने की कोशिश करता है वो कभी बाहर नहीं निकल पाता वो क्या सर्कुलर पाथ ऐसे घूमने लग जाएगा इस तरह से अगर पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही है और परपेंडिकुलर मूव करने की कोशिश करेगा तो वो कभी भी इस मैग्नेटिक फील्ड से बाहर नहीं निकल पाएगा क्योंकि हर वक्त जो फोर्स उस पर लग रहा होगा वो उसको सर्कुलर मोशन में ऐसे घुमाना स्टार्ट कर देगा ये बात आप हर पॉइंट पर डायरेक्शन से निकाल सकते हो जैसे कि अगर मैं हर जगह फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाकर आपको समझाऊँ अब फादर मदर चाइल्ड मैग्नेटिक फील्ड देखो हमेशा से अंदर की तरफ है फादर मदर चाइल्ड मैग्नेटिक फील्ड हमेशा अंदर अंदर की तरफ है तो ये देखो जैसे ही ऊपर की तरफ गए थे देखो कहां पर आ रहे हैं

तो सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा आई होप कि अब आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि वाई सर्कुलर पाथ अच्छा तो इसी को डेरिवेशन को थोड़ा सा मैं आगे करता हूं सपोज करो मुझे ये निकालना है कि कितना बड़ा सर्कल बनेगा मतलब सर्कुलर पाथ तो बनेगा छोटा बनेगा बड़ा बनेगा या रेडियस किस फैक्टर पर डिपेंड करेगी तो देखो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि जो मैग्नेटिक फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स जो अंदर की तरफ लग रही है मैग्नेटिक फोर्स इज प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स टू दिस पार्टिकल टू दिस चार्ज और सेंट्रीपिटल फोर्स है तभी तो यह सर्कुलर मोशन में घूम पा रहे यह भी बात ट्रू है ना तो इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूं कि जो मैग्नेटिक फोर्स है उसकी वजह से क्या पैदा हो गया यहां पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स पैदा क्या हो गया मतलब यही इसको प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स तो अभी आपने मैग्नेटिक फोर्स निकाला तो वो क्या है क्या वी बी साइन ठीटा अब एक बात देखो जरा मैग्नेटिक फील्ड और वी का हर जगह एंगल 90 डिग्री है ना तो क्या वी बी साइन नाइनटी हो जाएगा और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा एम वी स्क्र बाय आर अगर मुझे रेडियस का एक्सप्रेशन निकालना है बच्चों तो रेडियस का एक्सप्रेशन कैसे निकालूंगा मैं रेडियस का एक्सप्रेशन कैसे निकालूंगा देख लो सिंपल है क्या वी बी साइन नाइन्टी कितना हो जाएगा लिख देता हूँ यहाँ पर साइन नाइन्टी वन हो जाएगा बाद में ये हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाय आर तो ये वन हो गया तो ये आ जाएगा क्या वी बी इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर एक वी से एक वी उड़ा दो तो यानी कि जो फाइनल रिजल्ट आपको मिलेगा देखो वो मिलेगा क्या बी इक्वल्स टू एम वी बाय आर वी से वी कैंसिल क्या बी एम वी बाय आर तो यानी कि बच्चे जो आर की वैल्यू आई आर की वैल्यू क्या आई आपके पास एम वी बाय क्यू बी आई होप कि आपको ये विजिबल होगा मैं फिर भी एक बार चेक कर लेता हूँ थोड़ा सा नीचे चला गया देखो तो आर की वैल्यू हमने क्या निकाली बच्चों आर की वैल्यू हमने निकाल ली एम वी बाय क्यू बी ठीक है इस डायग्राम को जल्दी से बना लो क्योंकि मैं इसको रब करने वाला हूँ फिलहाल ठीक है तो अपने को यह पता लग गया कि भाई कितना बड़ा सर्कल बनेगा रेडियस अभी ये रेडियस के सारे फैक्टर डिस्कस करूंगा आपके साथ फिलहाल मैं इसको भी रब कर रहा हूँ ठीक है फिलहाल मैं रब करूँगा थोड़ी कोशिश करिए कि मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिखूँ बोर्ड पर ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो फोन की स्क्रीन में भी ठीक है तो पहला काम था रेडियस का एक्सप्रेशन निकालना वो निकाल लिया हमने रेडियस का एक्सप्रेशन क्या निकालना एम वी बाय क्यू बी अच्छा क्या मैं इस एम वी को मोमेंटम के टर्म में लिख सकता हूं पी तो मैं इसको यह भी लिख सकता हूँ जो रेडियस है वो क्या है मोमेंटम अपोन में क्यू वी है ना तो ये भी लिख सकता हूं इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम अच्छा आपको ये भी पता होगा कि जो लीनियर मोमेंटम है पी स्क्वाय टू एम इक्वल्स टू क्या होता है काइनेटिक एनर्जी नहीं यकीन आ रहा तो देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है आपके पास हाफ एम वी ठीक है अगर मैं इस फैक्टर को मल्टीप्लाई बाय एम कर दूं और डिवाइड बाय एम कर दूं तो क्या मिलेगा देखिए वन बाय टू एम ऊपर क्या मिल जाएगा एम स्क्र वी स्क्र इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी और आपको पता है कि एम स्क्र वी स्क्वेयर यानी कि ये क्या हो जाएगा पी स्क्र मोमेंटम पी स्क्र बाय टू एम क्या हो जाएगा बच्चों काइनेटिक एनर्जी तो आप मोमेंटम को चाहो तो ये भी लिख सकते हो रूट टू एम इंटू में काइनेटिक एनर्जी ये प्लस वन की बातें जो आपको समझाई गई थी तो रेडियस को आप ऐसे भी लिख सकते हो अगर आप चाहो रूट टू एम इंटू में काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय क्यू बी तो देखा रेडियस का हमने किसकी फॉर्म में एम वी बाय क्यूबी मतलब मोमेंटम की फॉर्म में और काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में भी रिलेशन निकाल दी ये काम आएगा इन फ्यूचर ठीक है तो इसलिए इसको नोट डाउन करो अब ना इसे एक बात और जो समझ आ रही है वो ये समझ आ रही है कि कितना बड़ा सर्कल बनेगा या कितना बड़ा रेडियस होगा वो किस बात पर डिपेंड कर रहा है बेसिक फैक्टर पर आओ वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहे हैं जितना ज्यादा वेलोसिटी से मूव करने की कोशिश करेगा पार्टिकल उतना ज्यादा वैल्यू आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज जितना हैवी पार्टिकल होगा जितना जितना पार्टिकल का चार्ज ज्यादा होगा उतना कम रेडियस ठीक है अगर मैं बोलूँ एक दो कुलम का चार्ज एंटर हुआ और एक पाँच कुलम का चार्ज एंटर हुआ तो ऑब्वियसली पाँच कुलम का जो चार्ज है उसका जो रेडियस बनेगा मतलब जो सर्कुलर लूप आप बनाओगे मोशन उसका तो उसका जो रेडियस होगा वो क्या होगा थोड़ा कम होगा छोटा चार्ज ज़्यादा रेडियस इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड पर भी डिपेंड करता है जितना स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड उतना कम रेडियस और मास पर तो डिपेंड कर रहा है डायरेक्टली ठीक है तो ये फैक्टर्स है मतलब ये देखती ही समझ आ रही है कि भाई हैवियर पार्टिकल मतलब हैवियर इन द की मैसिव पार्टिकल जो होगा उसका रेडियस जनरली क्या होगा बड़ा होगा लेकिन अगर चार्ज ज्यादा है चार्ज ज्यादा है तो रेडियस क्या हो जाएगा कम तो एक बार इन फैक्टर्स को लिखो साथ साथ ना ये भी देख लो अगर मुझे का एक्सप्रेशन निकालना हो कई बार क्या होता है कि हमको रेडियस दे देते लेकिन वेलोस्टिक नहीं देते तो अगर का एक्सप्रेशन निकालना हो तो का एक्सप्रेशन भी निकाला जा सकता है अभी देखो ना यहाँ पर क्या है आर इज इक्वल टू एम वी बाय क्यू बी अगर मुझे वेलोस्टी निकालनी तो वेलोस्टी क्या हो जाएगा बच्चों क्या बी आर अपोन में एम अब देखो इसको याद कैसे रख... देखो वेलोस्टी को याद कर लो बाकी सारे एक्सप्रेशन याद हो जाएंगे कैसे याद रखेंगे आपने कब्र तो सुनी होगी ना कबर कबर में ठीक है देखो कबर में कबर के अंदर कबर क्या क्या कब्र में तो दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर वट विल बी द वैल्यू ऑफ वी इट्स कब्र में ठीक है कबर के अंदर मजा आएगा इसी तरह से अगर आर निकालना होता तो एम वी वाई क्यू भी निकाल दोगे यहां से अच्छा अगर मैं आपको बोलूं कि कितना टाइम पीरियड होगा उसके इस पर्टिकुलर एक चक्कर का एक चक्कर कितने टाइम में वो सर जो पार्टिकल है लगाएगा तो टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन निकालने के लिए मैं क्या करूंगा टोटल टू पाई आर मतलब टोटल डिस्टेंस कितना कवर होगा टू पाई आर मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि एक चक्कर कितनी देर में पार्टिकल तो घूम रहा है एक सर्कुलर मोशन का उसका जो टाइम पीरियड है वो निकालना है तो आप क्या करोगे टोटल डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है टू पाई आर अपोन में वेलोसिटी इससे आपको क्या मिल जाएगा टाइम पीरियड मिल जाएगा पार्टिकल का तो टाइम पीरियड का मतलब टू पाई आर और अगर मैं वी को पुट करूं यहां पर तो ये क्या आ जाएगा क्या ओ बी आर इन में एम तो जो टाइम पीरियड है बच्चों वो किस पे डिपेंड कर रहा है टू पाई एम अपोन में क्या ओ बी अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं आपको I hope कि सब कुछ कैमरा एंगल के कैमरा एंगल में ही चल रहा होगा अब देखो जरा थोड़ा सा इसको हम ठीक है अब देखो आपने टाइम पीरियड क्या निकाला यहां पर वट इज टाइम पीरियड इट इज टू पाई एम अपोन में क्या वो भी अगर मैं आपसे पूछूं कि फ्रीक्वेंसी बताओ एफ या म्यू फ्रीक्वेंसी क्या होगी तो वो क्या होते हैं टाइम वनस अपोन से पॉन आ गया मुंह में तो ये आ गया T इज इक्वल टू सॉरी म्यू इज इक्वल टू क्या बी बाय में टू पाई एम इससे बच्चों एक बात पता लगी कि इट डजेंट मैटर या इट डज नॉट इट डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी विद विच पार्टिकल एंटर इन मैग्नेटिक फील्ड तो कितना ज्यादा टाइम पीरियड होगा पार्टिकल का या कितना कम टाइम पीरियड होगा इस बात का को कोई लेना देना नहीं है कि पार्टिकल किस वेलोसिटी से अंदर एंटर हो रहा है फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं कि दो प्रोटोन एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मतलब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करने लगे दोनों का चार्ज भी सेम मास भी सेम मैग्नेटिक फील्ड भी सेम और मैं आपको बोलूं कि भाई एक प्रोटोन की वेलोसिटी थी 100 मीटर पर सेकंड और एक की वेलोसिटी थी 10,000 मीटर पर सेकंड टाइम पीरियड किसका ज्यादा होगा तो आप बोलोगे दोनों का सेम होगा वेलोसिटी का तो कोई लेना देना ही नहीं है टाइम पीरियड में ठीक है तो आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी बच्चों क्लियर है इसको जल्दी से नोट डाउन करो इस कहानी को फिर हम आगे चलते हैं तो बच्चों अब अगर मुझे यहाँ पर फ्रिक्वेंसी मैंने निकाल दी टाइम पीरियड मैंने निकाल दिया होप कि आपने सब कुछ नोट डाउन कर लिया होगा अब जो चीज़ आपने ऑब्जर्व की वो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो टाइम पीरियड है वो आपने निकाला है टू पाई एम अपॉन में क्या बी सिमिलरली जो फ्रिक्वेंसी निकाली है वो निकाली है क्या बी ओवर टू पाई एम इससे ये बात आपको क्लियर हो गई जैसे कि मैंने अभी बताई भी थी आपको कि वेलोसिटी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि किस वेलोसिटी से कोई चार्ज पार्टिकल अंदर एंटर हो रहा है या मूव कर रहा है साथ साथ रेडियस का भी कोई रोल नहीं है इनके अंदर राइट डजेंट मैटर कि, कि किस तरह की रेडियस है कितनी बड़ी रेडियस है टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी दोनों उन चीज से इंडिपेंडेंट है अच्छा अगर मैं आपको ये बोलू कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी बताओ तो एंगुलर फ्रिक्वेंसी का एक्सप्रेशन भी बीच में ही देख लो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है टू पाई बाई कैपिटल टी या आप इसको लिख देते हो टू पाई न्यू क्लियर तो ओमेगा विल बी वट टू पाई इन टू में न्यू की वैल्यू एज इट इज डाल दो न्यू की वैल्यू क्या है क्या बी अपन में टू पाई एम तो अगर आपसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछ ले तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी बच्चों क्या बी ओवर एम तो इससे यह पता लग रहा है कि चाहे वो टाइम पीरियड हो चाहे वो फ्रीक्वेंसी हो चाहे वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो सारा खेल किस चीज का है चार्ज बाय मास का ठीक है सारा खेल किस चीज का है चार्ज बाय मास का एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी चार्ज बाय मास पर डिपेंड कर रही है और जो नॉर्मल फ्रिक्वेंसी है आपकी ये भी चार्ज बाय मास पर डिपेंड कर रही है अब ये चार्ज बाय मास मैं क्यों यूज कर रहा हूं वर्ड तो देखो ठीक है इसको एक बार मैं नोट डाउन कर नोट uh, डाउन कर लो मैं रब कर रहा हूं इसको जो चीज आपको जनरली सीबीएससी क्वेश्चन में मिल जाती है आपको तीन चार तरह के पार्टिकल मिलेंगे आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रॉन तो आपको पता होना चाहिए कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होता है सिमिलरली आपको क्या मिल जाएगा एक प्रोटोन आपको पता होना चाहिए कि मास ऑफ प्रोटोन क्या होता है और चार जोन प्रोटोन क्या होता है आपको मिल सकता है ड्यूट्रॉन आपको पता होना चाहिए कि मास ऑफ ड्यूट्रॉन क्या होता है और चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन क्या होता है सिमिलरली आपको मिल जाएगा यहां पर अल्फा पार्टिकल जो कि सबसे हेवीएस्ट है आपको पता होना चाहिए कि मास ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होता है और चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल क्या होता है तो यही चार पांच पार्टिकल्स के बीच में सारी खेल रहेगा आपका सीबीएसई क्वेश्चन का और कभी भी आप यहां पर न्यूट्रॉन को यूज नहीं कर सकते क्योंकि न्यूट्रॉन पर क्या हुई जीरो है तो उस पर ना कोई फोर्स लगेगा ना कभी वो सर्कुलर पाथ में घूम पाएगा ठीक है तो मैं आपको एक बार रिलेशन बता देता हूँ इनके मासेस में क्या क्या रिलेशन है तो बच्चों ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है क्योंकि जनरली जब भी सी में कोई क्वेश्चन आएगा तो वो अल्फ़ा पार्टिकल ड्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड आएगा ड्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन का मास अगर मैं कंपेयर करूं तो अगर आप रेशो जानना चाहो तो ड्यूट्रॉन का मास का रेशियो अगर मैं प्रोटोन के मास के साथ निकलू तो वो कहेगा टू रेशो वन में यह बोल सकता हूं कि जो है वो टाइम्स है 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 एज टू प्रोटोन ये भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, एक आइसोटोप हाइड्रोजन का अगर मैं चार्ज की बात करूं तो जितना चार्ज ड्यूट्रॉन के ऊपर होता है उतना ही चार्ज एक प्रोटोन के ऊपर होता है तो चार्ज रेशियो क्या होता है हमेशा वन ठीक है तो ये पॉइंट्स को नोट डाउन करते रहना अगर अल्फा पार्टिकल को प्रोटोन के साथ कंपेयर करूं तो अल्फा पार्टिकल का जो मास होता है वो फोर टाइम्स ज्यादा होता है एज कंपेरिजन टू प्रोटोन बेसिकली अल्फा पार्टिकल एक हीम न्यूक्लियस ही है क्लियर तो है जिसके अंदर दो प्रोटोन है और दो न्यूट्रॉन है जिसकी वजह से उसका मास एक प्रोटोन के कंपेरिटिवली चार गुना ज्यादा है अगर मैं चार्ज की बात करूं क्योंकि हीलियम न्यूक्लियस है तो दो इलेक्ट्रॉन से उसके पास यानी कि दो ही प्रोटॉन तो चार्ज जो अल्फा पार्टिकल का रेशो चार्ज जो प्रोटॉन के साथ निकालू तो वो क्या आता है टू रेशो वन ठीक है तो ये रिजल्ट आपको पता बताने चाहिए कि भाई

फ अ चार्ज पार्टिकल इज एक्सलरेटेड बाय गिविंग पोटेंशियल डिफरेंस इनटू मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली मैं आपको ऐसा बोलूं अगर कि मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड इस तरह से कुछ ऐसे इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है हमने क्या क्या कि किसी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करा कैसे एक्सेलरेट करा यहां पर हाईली पॉजिटिव चार्ज रख दिया जिससे फोर्स ऑफ रिपल्शन लगा होगा या बाय एनी मेथड मैं इसको एक्सेलरेट कर रहा हूं बाय अप्लाइंग सम काइंड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस तो जब मैं पोटेंशियल डिफरेंस देकर चार्ज को अंदर की तरफ थ्रो करूंगा फेंकूंगा एक्सेलरेट कराऊंगा तो क्या होगा देखो अगेन अगर मैं यहां पर फोर्स के डायरेक्शन निकालू तो बहुत सिंपल है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं यहां पर फादर मदर चाइल्ड मैग्नेटिक फील्ड अंदर करंट सामने तो फोर्स लग रहा है ऊपर तो जब जैसे ही पार्टिकल ऊपर जाएगा तो फादर मदर चाइल्ड मैग्नेटिक फील्ड अंदर मोशन ऊपर की तरफ तो फोर्स ऊपर यानी मतलब मोशन ऊपर की तरफ यानी कि करंट के डायरेक्शन ऊपर फोर्स बाहर तो ये पार्टिकल ऐसे घूमकर वापस आ जाएगा बाय फॉलोइंग अ सेमी सर्कुलर पाथ इन दिस केस अगर ये क्या हुँ अंदर होता और मूव करता तो हमेशा सर्कुलर घूमता लेकिन बाहर से जब भी कोई पार्टिकल आता है तो वो सेमी सर्कुलर पाथ फॉलो करता हुआ बाहर निकल जाता है ये बात भी आपको पता होनी चाहिए देखो देर इज ए डिफरेंस अगर मैं इस क्या चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखू और मूव कराऊं तो हमेशा सर्कुलर पाथ मिलेगा अगर क्या वो पार्टिकल बाहर से आएगा तो वैसे घूम कर बाहर निकल जाएगा हमेशा ठीक है तो डायरेक्शन हम निकाल लेंगे उस हिसाब से हम इसको बना सकते हैं अब यहाँ पर सिचुएशन क्या बनती है अगर यहाँ इस केस में मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालनी हो तो वो क्या होगी देखिए इस बार मैंने क्योंकि कुछ वर्क डन किया है बाहर से जिसकी वजह से कुछ काइनेटिक मिली काइनेटिक एनर्जी मिली इस पर्टिकुलर चार्ज को तो मैं बोल सकता हूँ कि वर्क डन क्या किया मैंने पोटेंशियल डिफरेंस इनटू में चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करा के चार्ज को एक्सेलरेट कराया जिसकी वजह से मुझे क्या मिला हाफ एम वी स्क्र राइट तो अगर मैं यहां पर v की वैल्यू प्लेस कर दू v की वैल्यू क्या है आपने अभी निकाल ली है वन बाई टू एम क्या स्कोयर आर स्कर मेंबर में एम स्क्र आ जाएगा यहां पर राइट इक्वल्स टू क्या हुई मास से मास उड़ा दो एक तो ये यहां पर आ जाएगा क्या ऐसे अगर इस केस में रेडियस निकालू बच्चों तो रेडियस देखो इस केस में क्या आ रही है टू एम क्या वी एम क्या वी क्या स्क्त यह अंडर रूट तो यानी कि जो रेडियस का एक्सप्रेशन मिला अंडर रूट टू एम क्या वी वी का मतलब है यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में क्या राइट right? तो देखा रेडियस का एक्सप्रेशन भी बदल गया इस केस में जब भी किसी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कराओगे तो आपको रेडियस का एक्सप्रेशन ये यूज करना है एक्सेलरेट कैसे कराओगे बाय डूइंग सम वर्क बाय पुशिंग इट बाय एक्सेलरेटिंग इट विद्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस तो इन बातों का भी ध्यान रखना है अगर मैं वेलोसिटी निकालता कि वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या तो वो ईजी है थोड़ा सा देखो क्या वो वी इक्वल्स टू वन बाई टू एम वी स्क्र वी स्क्र इक्वल्स टू वट टू क्या वी अपॉन में एम ये वी कैपिटल है ये वी स्मॉल है इस बात का ध्यान रखना ये वी क्या होगा अंडर रुट टू क्या वी अपॉन में अंडर उम दिस इज़ योर एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इन दिस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड तो आई होप के आपको ये कंसेप्ट भी समझ आया होगा एक है कि पार्टिकल अंदर जब मूव करेगा तो सर्कुलर पाता है एक है जब बाहर से एंटर होगा तो क्या होगा ये अच्छा एक चीज़ का और ध्यान रखना है हमने इसको मैं रब कर रहा हूँ इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो एक चीज़ का और ध्यान रखना है हमने हमेशा कि अगर मान लो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड और आपसे पूछा जाए कि क्या वो चार्ज बाहर से इसके अंदर एंटर हुआ ठीक है तो घूमकर वापस ऐसे आ जाएगा अगर आपसे पूछू फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ फाइंड आउट द टाइम पीरियड या फाइंड द टाइम विच द पार्टिकल रिमेन इन मैग्नेटिक फील्ड तो इसका सर्कुलर पोर्शन था सर्कुलर सॉरी सेमी सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है यहां पर अगर ये बिल्कुल अंदर होता तो सर्कुलर पाथ होता है यहां से एंटर हुआ और ऐसे बाहर निकल गया तो इसलिए करोगे तो इस केस में जो टाइम पीरियड होगा वो क्या होगा पाई आर अपोन में क्यू बी आर और ऊपर एम वेलोसिटी कबर में ऊपर ऐसे तो ये हो जाएगा आपके पास आर सी आर कैंसिल जो टाइम पेड रहेगा वो आएगा इस केस में एम अपोन में क्या होगी पिछली बार क्या था टू एम अपोन में क्या होगी तो यानी कि टाइम क्या रह जाएगा हाफ इसी तरह से जो फ्रिक्वेंसी होगी वो भी क्या हो जाएगी क्या बी बाय टू एम क्या टू आ, क्या बाई टू सॉरी क्या बाय पाई एम ठीक है दिस इज हाउ यू कैन प्ले विद लाइक कंसेप्ट जैसे मर्जी कंसेप्ट आ जाए आपको बेसिक चीजों का ध्यान रखना है ठीक है पूरा जो कंसेप्ट है इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो फिर कुछ और कंसेप्ट को पढ़ते हैं तो बच्चों एक केस ये भी आ सकता है हमारे पास कि अगर देखो कंसेप्ट तो क्लियर है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल पैरल या एंटी पैरल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हो तो उस पर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करता ना कोई सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा क्योंकि तो फोर्स नहीं लगेगा राइट अच्छा फिर कंसेप्ट आता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री पर अंदर एंटर हो जाए फिर क्या होगा उसके लिए भी हमने थ्योरेटिकली सारा कुछ एक्सप्रेशन निकाल दिया अब एक ये भी कंसेप्ट आ सकता है कि यार अदर देन 90 अदर देन जीरो मान लो 60 डिग्री पर अंदर एंटर हो गए मैग्नेटिक फील्ड के 30 डिग्री पर अंदर एंटर हो जाए तो किस तरह का पाथ होगा तो वो चीज समझने के लिए ना अब एक कंसेप्ट इमेजिन करो कि पहले कुछ ऐसे था मैग्नेटिक फील्ड था अलोंग आई कैप ठीक है और जो चार्ज पार्टिकल था बच्चों चार्ज पार्टिकल की पहले डायरेक्शन क्या थी अलोंग जे कैप जिससे ये कंसेप्ट समझ आ रहा था कि अगर मैं वी क्रॉस बी करता हूं तो फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है ठीक है और पार्टिकल सीधा सीधा अंदर की तरफ चला गया मान लेते ऐसा अब सुनो अगर कंसेप्ट को कुछ हम ऐसा बना दे कि इस बार पार्टिकल जो लॉन्च हुआ वो एक जे कैप के अलोंग लॉन्च नहीं हुआ वो एक थीटा एंगल हॉरिजॉन्टल से अंदर एंटर हो गया मान लो चार्ज पार्टिकल ऐसे विद द सम काइंड ऑफ थीटा एंगल विद द मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है तो इस सिचुएशन में मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर क्या इसका v साइन थीटा कॉम्पोनेंट होगा और मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग क्या v कॉस थीटा कॉम्पोनेंट होगा इस बात को समझना है बस आपने अगर पार्टिकल की डायरेक्शन क्या है ठीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से जा रहा है वो 90 डिग्री पर नहीं जा रहा है इस तरह से जा रहा है तो हमको ये देखना है ना कि इस पार्टिकल का कौन सा कॉम्पोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के साथ है तो मैं बोलूंगा ये वी साइन कौन सा मैग्नेटिक फील्ड के साथ मतलब कौन सा परपेंडिकुलर है v sin कौन सा साथ है वी थीटा इसे एक चीज क्लियर हो गई कि जो फोर्स लगेगा अब पार्टिकल पर फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल विल बी ड्यू टू v ट जो जो कि की पर अलोंग जे कैप है और परपेंडिकुलर टू टू क्या है मैग्नेटिक फील्ड राइट मैग्नेटिक फील्ड बोल देता हूं चलो यहां पर v इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड अच्छा तो क्योंकि v वी कॉस्टीटा और मैग्नेटिक फील्ड में जो थीटा की वैल्यू वो जीरो डिग्री है इसलिए अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट क्या वो वी कॉस्टीटा बी क्या वी बी था ना क्या ओ वी थीटा बी साइन जीरो डिग्री बन जाएगा क्या रिजल्ट था ना क्या ओ वी बी साइन ठीटा यहां पर क्या क्या वी कोसा इंटू में बी साइन जीरो क्या बन जाएगा जीरो तो यानी कि पार्टिकल की इस डायरेक्शन में पार्टिकल पर कोई किसी तरह का फोर्स नहीं लगेगा सारा फोर्स किसकी वजह से लगेगा वी साइन थीटा की वजह से लगेगा ठीक है अच्छा तो जिसकी वजह से पार्टिकल अंदर की तरफ जैसे ही मूव करेगा ठीक है सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा अचानक वी कोषा कॉम्पोनेंट उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा देखो अंदर की तरफ फोर्स किसकी वजह से लग रहा है v साइन थीटा क्योंकि परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है तो इसलिए कि अंदर की तरफ माइनस के कैप के लोगों क्या लग गया फोर्स लग गया लेकिन v कोश थीटा इस पार्टिकल को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा तो इस तरह से सर्कुलर पाथ ना होकर ये कुछ ऐसे 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 इस तरह से एक हेलिकल पाथ बनना स्टार्ट हो जाएगा मतलब कुछ ऐसे पार्टिकल अंदर एंटर हुआ ऐसे सर्कुलर मोशन आए मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लेकिन इधर से क्या है वी कोस्टा सामने की तरफ तो ऐसे मतलब ये कुछ ऐसे होगा देखो इस तरह से ठीक है कोई चीज घूमते 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 क्या सामने की तरफ जा रही है ठीक है कोई घूमते घूमते ऐसे क्या सामने की तरफ जा रही है ठीक है कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा ठीक है सर्कुलर मोशन तो आपको पता ही कि क्यों होगा सर्कुलर मोशन इसलिए क्योंकि मैग्नेटिक जो फील्ड है हर डायरेक्शन में अलग अलग फोर्स के डायरेक्शन है हर पॉइंट पर तो सर्कल में घूम जाएगा सर्कल में जैसे देखो सर्कल में घूमने की कोशिश करेगा लेकिन अचानक वी 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 कोस्टेड सामने की तरफ है तो इसलिए सर्कल ऐसा बनना स्टार्ट हो जाएगा जिसको मैं बोलूंगा ये क्या हेलिकल पाथ फॉलो करेगा क्लियर है इसको बोलते हैं हेलिकल हेलिकल पाथ पाथ कब फॉलो होगा जब भी कोई पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हो जाएगा तो यहां पर एम वी साइन थीटा जो कि रिस्पॉन्सिबल है और परपेंडिकुलर है एम वी साइन थीटा का स्क्र में आर इक्वल टू क्या टू में बी तो वही बात आ जाएगी यहां पर जो रिजल्ट है उसी में चेंजिंग कर देता हूं मैं जो वेलोसिटी थी पहले क्या थी मतलब जो रेडियस थी पहले क्या थी पहले थी आपके पास एम वी बाय क्यू बी अब आएगी आपके पास रेडियस एम वी साइन थीटा अपॉन में क्यू बी समझ पा रहे हो अगर आपने हेलिकल पाथ में रेडियस को कैलकुलेट करना है तो वो क्या आएगी एम वी साइन थीटा अपॉन में क्यू बी इसी तरह से अगर आप टाइम पीरियड कैलकुलेट करना चाहो तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है टू पाई आर अच्छा इस, इसको एक बार आप नोट डाउन कर लो मैं इसको फिर साइड में लिख देता हूं इसी के साथ अगर बच्चों हमने इसमें निकालना हो टाइम पीरियड तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है टू पाई आर ओवर वेलोसिटी वेलोसिटी कौन सी वाली वीस साइन थीटा क्योंकि वी थीटा अपने काम की चीज है वी थीटा क्या परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है राइट तो इसलिए सारा रोल किस चीज का है थीटा का भी तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू टू पाई v sin theta अगर इस पर मैं r को ओपन कर दूं तो r क्या है हमारे पास mv sin theta ओवर qb तो v sin theta से v sin theta कैंसिल हो गया तो टाइम पीरियड अगेन आपके पास वही आ गया जो पहले था 2 pi m ओवर क्लियर है टाइम पीरियड रहा सेम इसी तरह से फ्रीक्वेंसी निकालूंगा तो क्या हो जाएगी qb ओवर 2 pi m तो ये था आपके पास फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन क्लियर अब इसमें ना एक कंसेप्ट और आता है डेट इज पिच ऑफ दिस हेलिकल पाथ तो इसको एक बार जल्दी से नोट डाउन करो फिर वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ तो बच्चों यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है व्हाट इज़ द पिच ऑफ दिस हेलिकल पाथ सी बस में ऐसा आज तक कभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है बट एक एक्स्ट्रा टॉपिक है आपको पता होना चाहिए कॉम्पिटेटिव में जनरली कभी कभार पूछ लेते हैं पिच का मतलब ये है देखो अगर ये पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर मोशन में होता तो ये इस तरह से घूमता रहता है ऐसे तो मैं बोल कि इसका अगलो, अलोंग एक्स एक्सिस डिस्टेंस कवर तो आंसर है जीरो नहीं लेकिन अभी इस इस सिनेरियो के अकॉर्डिंग ये पार्टिकल ऐसे गूंकर, ऐसे गूंकर सामने भी जा रहा है क्लियर तो पिच का मतलब ये हुआ कि कितना लीनियर डिस्टेंस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एक कंप्लीट रोटेशन में पार्टिकल ने कवर किया जैसे कि अगर मैं आपको ये बोलूं कि पार्टिकल मान लो ऐसे घूमता घूमता सामने की तरफ जा रहा है तो यहां पर एक पॉइंट मार्क कर लो और इसके सेंटर में दूसरे सर्कल में पॉइंट मार्क कर लो इसको मैं बोल सकता हूँ कि, कि ये एक लीनियर डिस्टेंस है जो पार्टिकल ने एक रोटेशन में कवर किया या आप इसको यहाँ से देख सकते हो यहाँ से लेकर यहाँ तक का या इसको ये बोल सकते हो यहाँ से लेकर यहाँ तक का या तो ये वाला बोल दो डिस्टेंस या ये वाला बोल दो या ये वाला बोल दो क्लियर तो एक तरह से लीनियर डिस्टेंस है तो डिस्टेंस निकालने का तरीका क्या होता है वेलोसिटी स्पीड इनटू टाइम अगर स्ट्रेट लाइन मोशन है तो वेलोसिटी और स्पीड बात एक ही है तो अगर आपने लीनियर डिस्टेंस निकालना है एक रोटेशन में जो कवर हुआ वो कैसे निकालेंगे सामने की तरफ कौन सा कॉम्पोनेंट है वेलोस्टी का तो वी कॉस्टिटा इन टू में एक रोटेशन का टाइम पीरियड कितना निकाला आपने टू पाई एम अपोन में क्यू बी तो इसलिए लिख दोगे आप वी कॉस्टीटा इन टू में टाइम पीरियड तो क्या निकाला टू पाई एम ओवर क्यू तो आंसर क्या आ जाएगा पिच का ये टू पाई एम v cos theta over qb. this will be your expression for pitch तो जो लेक्चर था ये प्योरली थोरिटिकल था अगला जो लेक्चर रहेगा उस लेक्चर में मैं इस कंसेप्ट से रिलेटेड आपको कुछ और कंसेप्ट बताऊंगा और कुछ न्यूमेरिकल हम हिट करेंगे तो आज का लेक्चर हम प्योरली थोरटिकल छोड़ रहे हैं आप लोगों के लिए ताकि आप इन कंसेप्ट को डाइजेस्ट कर सको कंसेप्ट को समझ लो और अगले लेक्चर में इन्हीं कंसेप्ट को हम क्या यूज करेंगे ठीक है न्यूमेरिकल्स में तो इस पर कम से कम मैं दस बारह न्यूमेरिकल्स कराऊंगा अलग अलग तरह से तो उसमें हम फिर कवर करेंगे न्यूमेरिकल पोर्शन को तो इस लेक्चर को पूरा देखना नोट्स बनाना अच्छे से और नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्द मिल जाएगी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस